Hello everyone, this is Tanija Gupta. Welcome to my channel. And today we will take a topic, ELISA. ठीक है, जो मॉलिकुलर लेवल पे डायग्नोसिस के लिए काम में आता है. लेट्स हैव अ लुक ऑफ ELISA. इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले तो ELISA का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे. ठीक है, मतलब कि इसमें किसी एंजाइम सब्सट्रेट के थ्रू हम उसको डायग्नोस करते हैं. मेनली ये किसके लिए डायग्नोस किया जाता है, फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट. ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस. तो उसमें क्या होता है, जो HCG हार्मोन है यूरिन में उसका डिटेक्ट करते हैं. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट HIV इन केस ऑफ एड्स. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. नेक्स्ट, इट ऑल्सो यूज फॉर हेपेटाइटिस. ठीक है, तो ये सारी तो डिजीजेस इसमें डायग्नोस होती है. अब इसमें डायग्नोस कैसे करते हैं वो देखते हैं. तो इसमें सबसे पहले तो एंजाइम है जो यूज़ किया जाता है, दैट इज द परोक्सीडेज. ठीक है, या फिर इसके अलावा दूसरा एंजाइम यूज़ किया जाता है, दैट इज द एल्कलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, और इस एंजाइम के अगेंस्ट एक सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है जो कैसा होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट या क्रोमोजन. ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है. एंड यहाँ पे सबस्ट्रेट या तो होता है 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, या फिर दूसरा सबस्ट्रेट होता है, दैट इज़ दी ऑर्थो फिनाइलिन डायमीन. ठीक है, तो ये सब्सट्रेट यूज़ किया जाता है और ये एंजाइम, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए. चलिए अब हम देखते हैं ELISA को परफॉर्म कैसे करते हैं. ELISA 3 टाइप का होता है, 1 इज़ डायरेक्ट, अनदर इज़ इनडायरेक्ट, एंड द 3rd one इज़ सैंडविच मॉडल. मैं तीनों को एक साथ ही आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, ओके, तो तीनों में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैंडविच, तीनों टाइप में ही एक प्लेट होती है जिसको हम बोलते हैं ELISA प्लेट. क्या बोलते हैं, ELISA प्लेट. ठीक है, इस ELISA प्लेट पे क्या किया जाता है, सीरम डाला जाता है. सीरम यानी कि मेरा एक तरह से क्या हुआ, सैंपल. सैंपल इसमें पुट किया जाता है. ठीक है, ओके, फाइन. अब ये डिपेंड करता है कि उस सैंपल में मैं क्या डिटेक्ट कर रही हूँ, एंटीजन डिटेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो या फिर एंटीबॉडी. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, और सैंडविच में एक तरह से क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है. चलिए अब हम देखते हैं. अब मैं इंडिविजुअल समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सीरम को यहाँ पे पुट किया, इसमें देखा हमने एंटीजन है या नहीं. सपोज लेकर हम चल रहे हैं कि इसमें एक एंटीजन था, और वो एंटीजन क्या करता है, ELISA प्लेट पर आकर बाउंड हो जाता है. जैसे ही वो ELISA प्लेट पर आके बाउंड होता है, तो मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन डाला. अब इसके बाद मैं उसमें क्या डालती हूँ, मैं डालती हूँ उसमें एंटीबॉडी. ठीक है, बट कैसी है वो, एंजाइम लिंक्ड. क्या है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. ठीक है, मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी उसके ऊपर डाला गया. तो फिर वो क्या करेगा, उसका रिस्पेक्टिव, क्योंकि एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट वाला ही मैंने एंटीबॉडी लिया है, तो वो उस पर क्या हो जाएगा, आकर बाइंड हो जाएगा. ठीक है, फाइन. इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको बाइंड होने से पहले हम इस पूरी प्लेट को वॉश कर देंगे, ताकि जितने भी अनबाउंड एंटीजन है वो वहाँ से रिमूव हो जाए. ध्यान रखना, एंटीजन डाला, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में मैंने क्या किया, उसको वॉश किया, ताकि जो अनबाउंड एंटीजन है, जो क्या है, अनबाउंड एंटीजन है, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. उसके रिमूव होने के बाद अब इसमें क्या डाला, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला. ठीक है, ठीक है, ये एंटीबॉडी और यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम लिंक्ड है. इसके बाद अगेन उसको क्या किया, वॉश किया. क्या किया, वॉश किया. उसकी वजह से क्या होगा, जो इसमें एंटीबॉडीज एंजाइम लिंक बाउंड नहीं हुई है, वो क्या होगी, वहाँ से एक्स्ट्रा वाली सब हट जाएगी. वॉश करने के बाद अब हम उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं सबस्ट्रेट. क्या ऐड किया, सबस्ट्रेट ऐड किया. ठीक है, अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है. ठीक है, जो कौन कौन सा हो सकता है, या तो 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, या फिर ऑर्थोफिनाइलिल डायमीन. यहाँ पे जैसे सबस्ट्रेट ऐड किया, इसके रिस्पेक्टिव एंजाइम से बाउंड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक कलर शो होगा, और उससे मुझे पता चल जाएगा कि जो सैंपल था, ब्लड सैंपल, उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट था.
कैसे पता चला? सपोज ये एंटीजन यहाँ पर नहीं होता, एंटीजन नहीं होता तो यहाँ पे इस प्लेट पे भी कोई एंटीजन बाउंड नहीं होता। एंटीजन बाउंड नहीं होता, जब हमने इसमें एंटीबॉडी डाली तो एंटीबॉडी भी बाउंड नहीं हो पाती। ये सब कुछ भी यहाँ नहीं रहता, क्योंकि हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। ध्यान रखना, वॉशिंग जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार उसको वॉश कर रहे हैं तो ये सब हटता जा रहा है जो अनबाउंड स्टेट में है। ये हटेगा तो यहाँ पे कोई कलर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कलर भी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? अब इनडायरेक्ट में देखते हैं। इनडायरेक्ट में भी हमने क्या किया, सैंपल डाला जिसमें हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, सपोज ये एंटीजन यहाँ पे आकर बाउंड हो गया। एंटीजन जैसे ही बाउंड हुआ, मैंने एंटीजन डाला और फिर इसको हमने क्या किया, वॉश करा। अगेन वॉश करने के बाद अब मैंने इसमें क्या डाला, इसके अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी डाला, ठीक है, मैंने इसके अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी डाला। तो चलो यहाँ पे एक एंटीबॉडी भी बाउंड कर देते हैं जो इसी एंटीजन के स्पेसिफिक है। फिर अगेन हमने उसको क्या किया, वॉश किया, ताकि जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है जो बाउंड नहीं हुई वो हट जाए। इसके बाद अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ एंटी एंटीबॉडी। ध्यान रखना, देखो नाम ध्यान से सुनना, एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, एंटी एंटीबॉडी, यानी इस एंटीबॉडी के स्पेसिफिक हमने एंटीबॉडी डाला, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक और एंटीबॉडी बाउंड हुआ, बट उसकी स्पेसिफिसिटी एंटीजन के लिए नहीं है, एंटीबॉडी के लिए, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये कैसा है, ये वाला एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है, एंजाइम लिंक्ड है, ये ऑलरेडी एंजाइम बाउंड है। अगेन मैंने उसे क्या किया, वॉश किया। जैसे ही वॉश किया, एक्स्ट्रा सब हट गया। और उसके बाद लास्टली मैं उसको किससे ट्रीट कराती हूँ, सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो इसका रेस्पेक्टिव जो सबस्ट्रेट है उसने ट्रीट कराया और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, कलर मिल गया। इसने कलर जैसे शो किया तो मुझे पता चल गया कि सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है या पैथोजन प्रेजेंट है, क्लियर, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं सैंडविच। सैंडविच में हमने क्या किया, हम डिटेक्ट करें एक तरह से एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जैसे ही एलाइजा प्लेट में डाला, एक एंटीबॉडी आकर बाइंड हुआ, और एंटीबॉडी अपने एफसी रीजन से ही बाइंड होगा यहाँ पर, ठीक है। हो गया बाइंड, एंटीबॉडी बाइंड हुआ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एंटीबॉडी डाला, सॉरी, फिर हमने उसको क्या कर दिया, वॉश कर दिया। वॉशिंग स्टेप लेंगे ही ताकि अनबाउंड जो है वो सब हट जाए। अब मैंने उसमें क्या डाला, एंटीजन डाला उसका स्पेसिफिक, ठीक है। एंटीजन जैसे ही डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एंटीजन बाउंड हो गया, चलिए ये बाउंड हुआ। फिर उसको वॉश कर दिया और अब उसके इस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाला, अगेन, ठीक है, इस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाला और वो क्या हुआ, इससे बाउंड हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरह से क्या हुआ, इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकती हूँ। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, इट्स लाइक दिस, सी, ये ऐसे भी बाउंड हो सकता है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक सैंडविच टाइप का मॉडल हो गया जिसके दोनों के बीच में एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। एंटीबॉडी जैसे ही बाउंड हुआ, वॉश किया इसको हमने, अब हमने इसके अगेंस्ट डाला एंटी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और क्या है ये, एंजाइम लिंक्ड है। तो मैंने अब इसके ऊपर डाला ये कॉम्प्लेक्स, तो ये बाइंड हो गया और ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड है, एंजाइम लिंक्ड है। तो इसमें हम आगे क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट ऐड किया और अल्टीमेटली इसने कलर दे दिया, अंडरस्टूड। बट अगर हम सीरम में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये बाउंड ही नहीं होगा, ये बाउंड नहीं होगा तो आगे का कुछ भी बाउंड नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली मुझे कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर कलर मिल रहा है, इट मीन्स इट शो द प्रेजेंस, इफ कलर इज नॉट देयर इट शो द एब्सेंस। सो दिस इज हाउ सैंडविच एलाइजा इज डन टू डिटेक्ट एनी पैथोजन एट अ वेरी अर्ली स्टेज, मतलब बहुत कम अमाउंट में भी हम पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस एलाइजा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If you have any doubt, please put your query in the comment box. So thank you so much guys for watching this video.